प्रेमलता इंटर कॉलेज राया में माट विधायक राजेश चौधरी, जिला अध्यक्ष भाजपा मधु शर्मा, प्रभारी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी संजय सिंह, खंड शिक्षा अधिकारी अखिलेश कुमार यादव ने दीप प्रज्वलित कर शैक्षिक संगोष्ठी शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में ब्लॉक राया के पर्षदीय प्राथमिक और पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 80 अध्यापकों को उत्कृष्ट कार्य के लिए विधायक, जिला अध्यक्ष और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा सम्मानित किया गया। मंडलीय खेलकूद प्रतियोगिताओं में उच्च स्थान पाने वाले छात्र छात्राओं को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। जिले की विज्ञान प्रदर्शनी में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर आने वाले छात्र छात्राओं को भी सम्मानित किया गया। इस दौरान हुई बातचीत में विधायक राजेश चौधरी ने कहा कि गुरुओं का स्थान ईश्वर से ऊपर है, देश में उनका प्रथम स्थान है। कार्यक्रम का आयोजन हरिओम गुप्ता और गोवर्धन दास गुप्ता ने किया। राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ मथुरा वीरेंद्र शर्मा द्वारा कार्यक्रम का सफल संचालन किया गया। इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से अमित कुमार, SRG, अशोक सारस्वत, प्रमोद वर्मा, विवेकशील भारती, अशोक पाठक, अनिल वर्मा, भगवान सिंह पचौरी, ब्रजवीर सिंह, रंजीत सिंह, गोपाल प्रसाद, देवेंद्र शर्मा, प्राची अग्रवाल और तमाम शिक्षक शिक्षिकाएं मौजूद रहे। आप सब लोग ऐसे क्षेत्र से जुड़े हुए जिसमें पीढ़ियों का निर्माण होता है। कोई बच्चा जन्म लेता है, माँ की गोद में पलता है, बड़ा होता है, धीरे धीरे स्कूल जाता है, फिर कॉलेज जाना शुरू करता है और जिस क्षेत्र में उसकी रुचि हो, जैसे उसके माँ बाप ने उसे शिक्षा दीक्षा दी हो, उसी तरह से वो सार्वजनिक जीवन में जाता है। कोई डॉक्टर बन जाता है, कोई वकील बन जाता है, कोई शिक्षक बनता है, कोई IAS बनता है, IPS बनता है, नेता बनता है, जज बन जाएगा, अच्छा व्यापारी होगा, कोई देश की सीमा में जाकर के सेवा कर रहा होगा। अनेक रूप है इस देश में सेवा के, अनेक माध्यमों से देश की सेवा होती है। अब रुचि के ऊपर डिपेंड करता है, किस्मत में स्कीम क्या लिखा है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। पर मेरा ये मानना है, वकील क्या देके जा रहा है, डॉक्टर क्या देके जा रहा है, CA क्या देके जा रहा है, आर्मी वाला वहां सीमा पर रक्षा कर रहा है, व्यापारी भी देश के तरक्की में उन्नति कर रहा है, अधिकारी भी अपना योगदान दे रहा है, पर एक शिक्षक का जो योगदान होता है वो कोई दूसरा नहीं दे सकता। आजीविका चलाने के लिए तो सब कुछ ना कुछ करते हैं अपने जीवन की, ये तो एक सिस्टम है, उस प्रक्रिया से सबको गुजरना होगा, जिंदा रहना है, बच्चों का पालन करना है, परिवार का संचालन करना है, तो आजीविका के लिए कुछ ना कुछ करना ही होगा। इसीलिए वो सार्वजनिक जीवन में व्यक्ति जाता है, पर एक शिक्षक जो देकर के जाता है वो कोई दूसरा अपने जीवन में नहीं दे सकता। समारोह में हमारे क्षेत्र के जनप्रिय ओजस्वी ऊर्जावान विधायक जी अभी आपके समक्ष बहुत ही सम्मानित तरीके से हम सभी को अपने कर्तव्य के बारे में परिचय कराया है उन्होंने। और इस कार्यक्रम की शुरुआत में SRG अमित कुमार अद्भुत जी ने एक कथानक का चर्चा किया था कि जो गुरु स्वयं थर्ड डिवीजन का हो, क्या वह अपने शिष्य को फर्स्ट डिवीजन आने का आशीर्वाद दे सकता है। आप लोगों ने ही कहा जरूर आशीर्वाद दे सकता है और वह फलीभूत हो सकता है, बसरते कि उसमें आस्था। यह आपका उत्तर था, लेकिन मैं इसी अनुशीलन में थोड़ा आगे बढ़ना चाहता हूं। आपका आशीर्वाद उस शिष्य पर तभी प्रतिफलित होगा जब आप में आस्था हो, और आप में आस्था तभी विकसित होगी जब हम श्रद्धेय बनेंगे। हम शिष्य के लिए श्रद्धेय बनेंगे तो निश्चित रूप से उसकी आस्था के कारण हमारा आशीर्वाद उसके जीवन में सफल होगा।